I welcome you all to my world. जैसा कि आप सब जानते हैं, wedding season शुरू हो चुके हैं. So I thought, why not let's make a bridal maid makeup tutorial video. So without further ado, let's go. Well, this is gonna be my outfit. So एक common problem जो सबको होता है कि वो इतने महंगे outfit खरीद तो लेते हैं, पर एक दो बार पहनने के बाद वो सोचते हैं कि अब क्या. So be wise. आप अपना आउटफिट ऐसा चूज करिए कि जिसे आप मिक्स एंड मैच करके लेटर ऑन पहन सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये अपर को चेंज करना है, व्हाट कैन आई डू, आई कैन यूज द लहंगा और मैं इसे ऊपर ब्लाउज के साथ और एक चुन्नी के साथ पेयर कर सकती हूँ या कोई दूसरे कुर्ते के साथ. सेम, अगर मुझे ये लहंगा नहीं पहनना, आई कैन वेयर दिस कुर्ता और दिस टॉप विद अ क्लूटोस और अ सिगरेट कट पैंट. इज इट सिंपल. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपना बेस मेकअप ऑलरेडी करके रखा है. मैंने ये बेस मेकअप करते हुए इसलिए नहीं दिखाया है बिकॉज मैंने इसका एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाया है अपने चैनल पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड पे जरूर दे दूंगी आप लोगों के लिए. सो फॉर माय आई मेकअप, आई एम गोना यूज दिस एनास्थेसिया बेवरी हिल्स पैलेट. वेल, दिस इज अ न्यू पैलेट और मुझे काफी पसंद है. वेल, सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि ट्रांजिशन शेड्स होता क्या है. ट्रांजिशन शेड्स आर the lighter shades in the palette, जैसे कि यहाँ पे the burnt orange है, dusty rose है, then this orange soda as well. These shades you generally use on top of your crease, alright? So अब मैं इसे apply करके दिखाती हूँ आप लोगों को. So मैं यहाँ पे ये shade the burnt orange लूँगी for my crease. बहुत हल्के हाथ से करना है, कॉर्नर्स में लगाना है और इसको अंदर की तरफ लेके जाना है. जैसे आप देख रहे हैं ना, अब बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिएगा, टेक योर टाइम. सो ये मेरा क्रीज रेडी हो गया है. अब मैं इससे जो डार्कर शेड है, दैट्स द साइरस अम्ब्रिया, उसे लूंगी. उसे मैं इस तरह के ना फ्लैट ब्रश पे लूंगी एंड जस्ट लुक, मैं उसे लूंगी एंड यहाँ पे इस तरह से जस्ट डैब करूंगी. आप देखिए, प्रोडक्ट को मैं जस्ट डिपॉजिट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, आई एम जस्ट डिपॉजिटिंग द प्रोडक्ट. जब मुझे लगे कि आपको लगे कि लाइक यू नो प्रोडक्ट इनफ है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब अगेन यू कैन गो बैक टू दिस फ्लफी ब्रश एंड इसे आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए. ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो यू नो काफी केकी सा लगता है. सो ब्लेंडिंग को अच्छे से कीजिएगा ऑलवेज. लेट मी चेक. Yeah, it's perfectly blended. Now, what I'm gonna do? मैं ये shade लूँगी यहाँ पे fairy. I'm using my finger. हमेशा try use your finger. Product अच्छा deposit होता है eye में. And मैं इसे अपने lids पे लगाऊँगी. And again. मैं अपने ब्रश से एक फ्रेश ब्रश लूंगी और इसे मैं डिफ्यूज कर लूंगी और ब्लेंड कर लूंगी. लेट्स सी, आई थिंक आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर प्रोडक्ट. हमेशा थोड़े से ही स्टार्ट करिए. सो इससे क्या है ना कि अगर आपको लगेगा आप बाद में उसे और प्रोडक्ट आप उस पर डिपॉजिट कर सकते हो. अगर आप पहले से ही बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ले लोगे तो फिर यू नो बहुत बहुत गंदा दिखता है. So I think it's done. Yes, it's done. अब मैं ये सबको एक साथ एक बार ब्लेंड कर लूंगी. So आप देख सकते हैं मेरे इस आई और इस आई में डिफरेंस. So मैं ऑफ कैमरा अपना दूसरा आई करके आप लोग से तुरंत मिलती हूँ.
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने दूसरे आंख में भी आई शेडो लगा लिया है एंड ऑफ कैमरा मैंने आई लाइनर भी लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो डार्कर शेड है ये थोड़ा सा लेना है इस फ्लैट ब्रश में एंड हमारे आंखों के नीचे पोर्शन पे हल्का सा लगाना है। अगेन वही पीछे से शुरू करना है और आगे की तरफ हमें से इस तरह से लेके जाना है। You can see, same, दूसरे आईज पे भी हम रिपीट करेंगे। So it's done. Now we're gonna apply kajal. काजल में यहाँ पे बहुत ही हल्का अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे आप थिकर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बहुत थिन लेयर अप्लाई कर रही हूँ। So done. Now I'm gonna use the eyelashes curler. इसे मैं अपने eyelashes को curl करती हूँ। आप चाहे तो फॉल लैशेस भी पहन सकते हैं। वेल आई एम नॉट सो मच फॉन्ड ऑफ फॉल्स लैशेस, बट अगर आपको एक ट्यूटोरियल चाहिए कि उसे कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे क्लीन करके वापस रखते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मैं उसका एक अलग प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। मैं बिग फैन ऑफ मस्कारा, मुझे मस्कारा लगाना बहुत 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 पसंद है। मेरे पास लाइक 5-6 डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कारा है। मस्कारा इज लाइक लाइफ एंड लव। धीरे धीरे उसे कोट कीजिएगा अपने आईज पे। ये देखिए इमीडिएटली आपको दिख रहा है डिफरेंस, ये कितना अपलिफ्टेड है, खुले खुले लग रहे हैं मेरे आईज। एंड यहाँ पे देखिए विदाउट मस्कारा कैसा लग रहा है। तो मैं दूसरे आईज पे भी लगा लेती हूँ। इट्स डन। सो ये तो मेरा आईज हो गया। अब आते हैं फेस पर। सो एज मैंने फाउंडेशन एंड कंसीलर लगाया है तो मेरा फेस पूरा ब्लैंक है। सो आई गोना अप्लाई कॉन्टोर ऑन माई फेस। So, मैं ये थोड़ा सा लूंगी ऑफ द एक्सेस। मैंने इसके बारे में भी अपनी उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कॉन्टोर कैसे लगाते हैं, कहाँ से लगाते हैं, कहाँ तक लगाते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल्स। आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के एंड पे दे दूंगी। मेरा फोरहेड काफी बड़ा है सो मैं थोड़े से अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी। सो फॉर माय ब्लश आई एम गोना यूज दिस ब्लश फ्रॉम कीरो, मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये बहुत ही पिगमेंटेड है। मुझे ब्लश एंड मस्कारास एंड मोबाइल बहुत 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 पसंद है, बहुत। आप लोगों को क्या पसंद है ये मुझे बताइए ना, मुझे कमेंट नहीं करते आप लोग, मुझे कमेंट में बताइए। हाउ विल आई नो, मुझे ढेर सारे कमेंट्स भेजिए सो आई गेट टू नो व्हाट आर योर फेवरेट्स। आप क्या चाहते हैं देखना, आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, एवरीथिंग। सो हियर आई एम डन विद माय ब्लश। नाउ इट्स टाइम फॉर लाइटर, फेवरेट पार्ट अगेन। So for highlighter, I'm going to use this brush.
अपनी हाई पॉइंट्स में लगाऊंगी, जैसे कि यहाँ जहाँ पे लाइट गिरता है एंड इट गिव्स अ नेचुरल शाइन। एंड अपनी आईज को इमीडिएटली ओपन करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप इस हाइलाइटर को इस जगह पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। See the difference? Now I'm gonna use my lipstick. Cut my lip liner. Always try to use a lip liner because lip liner ke bina na lipstick bahut incomplete sa lagta hai. It gives a definition to your lip. मैं यहाँ पे एक रेड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। इट्स नॉट एग्जैक्टली रेड, इट्स नेम इज रेड रस्ट फ्रॉम शुगर। ये एक्चुअली रेड कलर है विद अ ब्राउन एंड ऑरेंज अंडरटोन, सो इट्स नॉट अ प्रॉपर रेड कलर। दैट्स इट, माय मेकअप इज डन। या सो माय मेकअप इज डन बट स्टिल माई लुक इज इनकम्प्लीट। ये तो हो गया मेरा मेकअप, बट नाउ आई एम गोना वेयर माय इयररिंग्स। आई थॉट कि ये इयररिंग्स इस कपड़े के साथ बहुत सुंदर लगेंगे, इट लुक्स गुड ऑन माई फेस एज वेल। ओके नाउ फॉर माई हैंड्स, इस हाथ में आई एम गोना वेयर माई वॉच एंड इस वॉच से मेरा पूरा हाथ भर जा रहा है। सो आई डोंट वांट एनीथिंग ओवरडू विद माय हैंड्स। मैं और कुछ नहीं डालने वाली। एंड इन द अदर हैंड आई एम गोना हैव लाइक माय बैंगल्स ऑन। माय बैंगल्स एंड हियर आई एम रेडी विद माय लुक। अब मैं आपको खड़े होकर प्रॉपर दिखाती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। एंड आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू गो। सो दिस इज माय फाइनल लुक। वेल, जाने से पहले वन लास्ट टिप फॉर द ब्राइडल मेड्स। व्हाट इट इज, ऑलवेज रिमेम्बर जब भी आप अपने सैंडल्स पहने, ऑलवेज ट्राई टू वेयर अ प्लेटफॉर्म इफ नॉट अ वेजेस। अगर आप पेंसिल हील पहनेंगे there'll be a problem, you know, आपको काफी दौड़ा भागी वॉक करना पड़ेगा तो इट माइट बी पेनफुल। सो ऑलवेज कीप एवरीथिंग कंफर्टेबल। एंड इन द एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। ट्रस्ट मी, आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड टिल देन आई लव यू ऑल।